हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन कर लिए थे, आज आप लोगों के सामने प्रश्नावली 2.0 के पूरे एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 के पूरे अभ्यास को सॉल्व कराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्लास को जुड़िएगा इस क्लास से और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, हम आप लोगों के टाइम का नुकसान न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करने से पहले कुछ फार्मूले हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पिछले वाले ही क्लास में बता दिए थे, ऐसे समीकरण जिनकी घात अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है, दो होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब बात यहाँ आती है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इस फार्मूले को हम लोग जो है एक तरफ लिखते हैं, तो द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, का व्यापक रूप। तो डियर स्टूडेंट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। यदि यहाँ पर मान लिया जाए, यदि अल्फा व बीटा इसका क्या हो, शून्यक हो, यदि अल्फा व बीटा क्या हो, दिए गए समीकरण का, या लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के शून्यक हैं, के शून्यक हो तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक कौन है, अल्फा है और क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। तो बी किसका है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और बी क्या है भैया, एक्स का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा। यानी b जो है किसका है गुणांक है, x का गुणांक है, और जो a है प्यारे बच्चों, देखिए a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो आप इसे लिख सकते हो x स्क्वायर का गुणांक। चलिए, अगर हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, बीटा बराबर अचर पद, क्या भैया, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, अचर पद आपका यहाँ पर क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है। यानी मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी अपान ए। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीट कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। उसके बाद यदि अल्फा और बीटा दिए गए समीकरण का हम लोग क्या मान लेते हैं, शून्यांक है, तो बात उठती है शून्यांक क्या होते हैं, दिए गए समीकरण के वे मान जिनको रखने पर समीकरण का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो प्राप्त हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। और किसी भी द्विघात समीकरण में शून्यांकों की संख्या दो हो सकती है, दो से अधिक कभी नहीं होती है। तो मान लिए गए, अब शून्यांकों का योगफल यानी इन दोनों शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, और गुणनफल अचर पद बटे ए होता है, यानी सी बटे ए होता है। तो चलिए, अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 यानी आपका हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.1, तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.1 का आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। प्रश्नावली 2.1 के पहले का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। उसके बाद ये आपको दे दिए गए बराबर क्या है भैया,
जीरो है और आपसे कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, इन शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। डियर स्टूडेंट, प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन तो आते रहते हैं पर बोर्ड पेपर में लिखा कैसे जाए, प्रश्न को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज वो भी हम आज आपके संशय को वो भी आपके समस्या को समाधान कर देंगे कि जैसे आपके सामने सवाल आ जाता है तो उसको हम लोग लिखते कैसे, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इन सवाल को लिखा जाएगा। तो जैसे सबसे पहले इसका हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग इन दिए गए जो समीकरण है इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए, यहाँ आठ है तो इस आठ का हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, इस आठ का गुणनखंड करना है, आठ को दो भागों में तोड़ना है, जिसको आठ का ऐसे दो भागों में गुणनखंड करें कि जिसको हम लोगों को जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, माइनस दो मिल जाए। क्या आप आठ को लिख सकते हैं चार गुणे दो, क्या आठ को आप एक गुणे आठ लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो आठ के दो गुणनखंड संभव हैं, चार गुणे दो, एक गुणे आठ। अब आप ध्यान से देखिए, क्या चार में से दो घटा दिया जाए, दो आ जा रहे हैं, तो यानी माइनस चार में से अगर दो घटा दे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, माइनस दो एक्स मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स कर देंगे, ये सॉरी प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी दो एक एक्स है और यहाँ भी एक एक्स है, तो दोनों में एक एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर डी स्टूडेंट एक एक्स बचेगा और माइनस कितना बचेगा, फोर बच जाएंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में दो कॉमन है, दो एक के दो, दो चौके आठ, तो दो कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस कितने आ गए, फोर इक्वल टू जीरो। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में एक्स माइनस चार कॉमन है, तो बचा क्या, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार एक्स माइनस चार को जीरो के बराबर करोगे तो चार उधर चला जाएगा, प्लस चार हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो करोगे तो एक्स बराबर क्या आ गए, माइनस टू, यानी टू जब उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस टू हो जाएंगे। तो जो शून्यांक है, आपसे पूछ रहा था कि शून्यांक क्या है, तो शून्यांक चार और क्या है, माइनस दो है। तो इस प्रकार आप शून्यांक निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो संबंध के सत्यता की जांच। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, संबंध के सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो चलिए, तो जो दिया गया समीकरण है उसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ ए है तो ए के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, तो एक मान लिया जाए तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक मिल जाएगा। फिर बी, बी बराबर क्या है भैया, इस बी के स्थान पे क्या है, माइनस दो है। और जो सी है वो सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, तो ये सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस आठ हो जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, हमने तुलना किया तो ए बराबर एक, बी बराबर माइनस दो, सी बराबर माइनस आठ, ये मिल गए। अब हम क्या निकालते हैं, संबंध की सत्यता की जांच में मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, या मूलों का नहीं, शून्यांकों का, क्या भैया, शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बटे ए, ध्यान से समझिए, माइनस बी बटे ए। तो जो बी है उस बी का मान हम लोग रखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस है, बी का मान कितना है आपका, पहले से माइनस है, माइनस, और बटे कितना है ए, तो ए का मान एक है, तो आप माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो बटे एक आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, दो बटे एक। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्फा और बीटा को हल करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा आपके चार हैं, बीटा आपके दो हैं, और चार और माइनस दो को प्लस करोगे तो दो ही आएगा, अर्थात यहाँ जो संबंध की सत्यता है, जो इनकी संबंध की सत्यता है वो क्या है, सही है। एक बार हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल।
तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी का मान कितना है प्यारे बच्चों, माइनस आठ है इंटू ए, तो ए का मान एक हो जाएगा, तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस आठ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल क्या है, माइनस आठ है। तो लिख देंगे कि दिए गए समीकरण की जो संबंध है, वो संबंध की जो सत्यता है वो सही है। क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण की संबंध की सत्यता सही है, सत्यता सही है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये आपको, ये जो आपका ये पहला प्रश्न था, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल आप लोगों का क्या है, 4s² - 4s + 1। पहले का दूसरा नंबर है 4s² डियर स्टूडेंट, s को हम लोग x मान लेते हैं, तो 4x² - 4x + क्या हो गए, 1 हो गए। यही आपके सवाल हैं, इन्हीं को क्या कह रहा है, इनका आप शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो 1 × 4 बराबर क्या आ गए, 4। इस 4 को दो भागों में तोड़ना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 2 और 1 × 4। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ कितना लाना है, 4 लाना है। तो इन दो को, 2 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 4 मिल जाएंगे। यानी हमको ये बात पता चल गई, क्या लिख सकते हैं, 4x², इस 4x को -2x कर दिए और प्लस क्या कर दिए, 1 कर दिए। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 और x क्या है, कॉमन है। तो 2 × 4, तो यहाँ 2x आ गए, ये पूर्ण रूप से बाहर आ गए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 हो गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं था, तो यहाँ -1 आ गए। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x - 1 है, अगले में 2x - 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बराबर क्या कर दिए, 0। एक बार क्या करते हैं, 2x - 1 बराबर 0 करोगे तो 2x, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का पक्षांतर कर देंगे, x बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, तो 2x - 1 बराबर 0, 1 उधर चला गया, तो 2x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को आप उठा के जब उधर फेंके, तो -1 क्या हो गया, प्लस हो गए, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। ये आ गए इनके शून्यक, तो शून्यक आ गए 1/2 और 1/2, दोनों शून्यक क्या हैं, 1 ही आए हैं। अब क्या करते हैं, संबंध के सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे इजी टॉपिक है संबंध के सत्यता की जांच करना, संबंध के सत्यता की जांच। तो ध्यान से समझिएगा संबंध के सत्यता की जांच क्या होती है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण का हम लोग ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ a बराबर क्या है प्यारे बच्चों, a बराबर कितना है, 4 है। b बराबर कितना है, -4 है। c बराबर कितना है भैया, 1 है। ध्यान से समझिएगा, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, चलिए मूलों का यानी शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो b का मान कितना है भैया, -4 है, और a का मान कितना है, 4 है। तो -- क्या हो गए, प्लस हो गए, तो 4/2 कितने आ गए, 4 कटा दिए, 1 आ गए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया। आइए हम लोग मैच कराते हैं,
क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर एक आते हैं, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा बराबर एक बटे दो और एक बटे दो दोनों को प्लस करोगे तो एक आएगा, अतः जो संबंध की सत्यता है वो क्या है, ठीक है या सही है। शून्यांकों का अब क्या निकाल लेते हैं, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। सी का मान कितना है, एक है, और ए का मान कितना है, चार है। तो आप देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख देंगे, एक बटे चार। यहाँ से देखिए इन दोनों का आप गुणनफल करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो एक बटे चार ही आएगा, अतः लिख देंगे, अतः संबंध की सत्यता की जाँच सही है। संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता क्या है, सही है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके पहले सवाल का दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो तीसरा सवाल है हूबहू पहले और दूसरे के जैसा है। चलिए हम लोग जो है एक चार नंबर और एक पाँच नंबर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी और जो सवाल हैं डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आपको लगाने में कहीं भी समस्याएं आती हैं सवाल को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम आपके सवाल को बता देंगे, ठीक। तो पहले का चार नंबर, ठीक, पहले का चौथा नंबर क्या है, फोर यू स्क्वायर, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू इक्वल टू क्या है भैया, जीरो है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो अचर पद है वो नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या हम प्यारे बच्चों आप इसको क्या कर सकते हो, क्या 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू टू यू। तो आप देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से समझिएगा, दोनों में 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया है, u बचे हैं और वहाँ कितने बचे हैं भैया, प्लस 2 बचा है। तो ध्यान से समझिएगा ये हो गए। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, एक बार 4u बराबर 0 करते हैं तो ये 0 इधर जाएंगे तो u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। एक बार क्या करते हैं, u प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो 2 उधर चले जाएंगे तो u बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। यानी जो शून्यांक हैं उनके 0 और क्या आ गए, माइनस 2 आ गए। तो इस प्रकार लिख सकते हैं शून्यांक जो होंगे 0 और माइनस 2 हैं, ठीक। तो क्या चलते हैं भैया, संबंध के सत्यता की जांच करते हैं, क्या करते हैं, संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने बताया है संबंध के सत्यता की जांच कैसे करते हैं, कि दिए गए समीकरण को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए a बराबर कितना है, 4 है, ठीक, b बराबर कितना है, 8 है, और c बराबर यहाँ कुछ नहीं है, तो c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इस बार हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है भैया, देखिएगा माइनस 8 है, ए का मान कितना है, 4 है, इनको कैंसिल करोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2 आ जाएगा। आइए हम लोग मिलाते हैं ज़रा सा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितने हैं आपके, 0 हैं, बीटा क्या है, माइनस 2 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस 2 ही मिलेंगे। तो अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इनकी संबंध है वो क्या है, सही है। अब क्या निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी आपके क्या हैं, 0 हैं, और ए क्या है आपका, 4 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। अतः लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, अतः संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता क्या है, सही है।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल पिछले सवाल के जैसा आपको समझ में आ गया होगा। ये अध्याय आपको सरल लगने लगे होंगे, आपको ये पता हो गया कि बोर्ड के पेपर में लिखना कैसे है। तो सेम टू सेम सवाल आपको ऐसे ही लगाने हैं। आपके एक सवाल और इस क्रम में बता दिया जाता है, टी स्क्वायर माइनस क्या है, 15 है। तो चलिए, टी स्क्वायर माइनस कितना है, 15 है। सवाल नंबर आपका क्या है, ये है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका वी नंबर है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि क्या हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यह क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो क्या हम लोग इनका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो बच्चों के लिए दिक्कतें आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि ये टी का स्क्वायर किए, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होता है, 15 होता है, यानी 15 को हम लोग दो बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो वहीं यहां पर भी कर देंगे, माइनस अंडर रूट 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर 0। तो यहां सूत्र का उपयोग कर देंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे, कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस सूत्र का उपयोग हम लोगों ने कर लिया। तो ध्यान से समझिएगा, ए के स्थान पे टी है और बी के स्थान पे क्या है, अंडर रूट 15 है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, टी प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएंगे, और एक बार क्या हो जाएगा, टी माइनस अंडर रूट 15 हो जाएंगे, बराबर क्या हो गया, 0। तो एक बार टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, तो t बराबर क्या आ गए, माइनस अंडर रूट 15, और एक बार आप क्या करोगे, t माइनस अंडर रूट 15 करोगे बराबर 0, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो t बराबर क्या हो गए, अंडर रूट 15। तो इस प्रकार इनके जो शून्य अंक है वो अंडर रूट 15 माइनस में आ जाएंगे, एक बार अंडर रूट 15 इसके क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो चलते हैं संबंध की सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच, तो क्या हमने पहला नियम बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों कि a बराबर यहाँ पर क्या है भैया, a बराबर यहाँ कुछ नहीं है, तो एक मान लिया जाएगा, तो a बराबर एक आ गए। फिर b बराबर क्या है भैया, b बराबर आपको यहाँ 0 है, क्योंकि b का कोई पद नहीं है, बल्कि c बराबर कितना है, माइनस 15 है। तो आइए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शून्यांकों का योगफल, क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी कितना है भैया, 0 है, और ए कितना है, 1 है। तो बताओ 0 बटे 1 का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, 0। तो आप देख सकते हो कि कोई चीज़ जितना प्लस में होता है उतना माइनस में होता है, इन दोनों को योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपान ए, और सी कितना है भैया आपके, माइनस क्या है, 15 है, अपान ए, ए का मान कितना है, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 15 आएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे, आपके 15 आ जाएंगे। अतः लिख सकते हैं कि संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता क्या है भैया, सही है। ठीक डियर स्टूडेंट, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी एक वर्ड ना समझ में आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का समाधान निकालेंगे। तो चलते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, एक फार्मूले और बना लेते हैं, एक फार्मूला और क्या है भैया प्यारे बच्चों, लिखना हम लोग भूल गए थे, आप लोग जहां फार्मूला नोट करते होंगे वो फार्मूला बना लीजिएगा, आप लोग अपने फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। क्या होता है कि यदि मूलों का योगफल क्या हो, अल्फा प्लस बीटा हो, और मूलों का गुणनफल क्या हो, अल्फा इंटू बीटा हो, तब द्विघात समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, जीरो होता है। डियर स्टूडेंट अब इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 2.1 का पहला दूसरा सवाल कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहला है, दूसरे का पहला है 1/4 और -1 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वो क्या सवाल में चर्चा किया गया है कि बच्चों के मन में ये मानसिकता बैठती है सर हम किसको मूलों का योगफल माने, किसको मूलों का गुणनफल माने। तो आपके सवाल में खुद कह रहा है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल। तो सबसे पहले योगफल आया है तो हम लोग योगफल इसको मान लेंगे। तो मूलों का योगफल क्या भैया, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 1/4 दिया गया है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है भैया -1 है। सॉरी यहाँ मूल न लिखकर आप लोग क्या लिख लीजिएगा, शून्यांकों का लिखिएगा, शून्यांकों का। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, तो जब शून्यांकों का योगफल पता है, शून्यांकों का गुणनफल पता है, तब जो द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गए, जीरो। तो ध्यान से समझिएगा ये एक्स स्क्वायर हो गए माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे -1 रख देंगे और बराबर क्या, जीरो। तो इसे हम हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान कितने आ गए 4 प्लस माइनस कितने आ गए 1 बराबर जीरो। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसको आप लोग आगे हल करना चाहो तो आगे हल भी किया जा सकता है। आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे तो 4x स्क्वायर। अब आप इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो x और इनका मल्टीप्लाई इनसे कर दोगे 4 बराबर कितना हो गया 0, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार जो ये बहुपद आया, देखिए ये द्विघात बहुपद है क्योंकि घातों की संख्या क्या है 2 है। प्यारे बच्चों आपको केवल एक फार्मूला याद करके रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो इसी क्रम में आपके एक दो सवाल और दिए गए हैं, एक दिया गया है 2/1/3। तो चलिए दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। क्या दिया गया है 2, तो मान जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/ क्या दिया गया है 3। तब जो द्विघात बहुपद होगा वो आपसे पूछ रहा है, तब द्विघात बहुपद का फार्मूला अभी बताया गया डियर स्टूडेंट, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, फिर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर को आपको कुछ नहीं करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 क्या है भैया 2 है, और एक्स मल्टीप्लाई में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर 0। आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो या तो आगे भी हल किया जा सकता है। ये आपका रहा दूसरे का दूसरा नंबर डियर स्टूडेंट। दूसरे का आपका तीसरा नंबर देख लेते हैं, 0 है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 0 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला हमने बता के रखा है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। ये पूरा पद 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस कितने आ गए 5 बराबर क्या आ गए 0। तो ये आपके आ गए द्विघात बहुपद। ये इस प्रकार
तो प्यारे बच्चों ये दूसरे नंबर सवाल हो गए, ये तीसरे हो गए। इसी क्रम में आपके लास्ट एक और बता दिया जाता है, वी नंबर क्या है, -1/4। ठीक, -1/4 और 1/4। इस बार आपको क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। डियर स्टूडेंट ये शून्यांकों का योगफल है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोगों ने लिख रखा है। क्या होता है द्विघात बहुपद, x² - α + β (x + α) × β बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, ये x² हो गए माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, इंटू कितना है x है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 है। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1/4x, फिर प्लस क्या है 1/4। आप इसे चाहो तो हल कर सकते हो प्यारे बच्चों, आगे इसको हल किया जा सकता है। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएंगे, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे 4x², इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 आ जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² + x + 1 = 0। तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद बन गया। और इसी सवाल के साथ आपके इस प्रश्नावली 2.2 जो आपका 2 था, सॉरी प्रश्नावली 2.2 जो 2 थे वो आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट जो सवाल आपके छोड़े गए हैं इस अध्याय में, उस सवाल को आपके लिए अभ्यास करने के लिए छोड़ा गया है। अगर आपको सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।